अच्छा तो जी स्टूडेंट्स, आज हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे कि किसी भी होम्योस्टेटिक रेगुलेशन को करवाने के लिए, यानी आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होने वाली तब्दीलियों को, आप तब्दीलियों के इफ़ेक्ट से आपकी इंटरनल एनवायरनमेंट को बचाने के लिए आपको जो चीज़ रिक्वायर्ड है, दैट इज़ योर कंट्रोल सिस्टम। तो कंट्रोल सिस्टम के बेटा जी तीन कंपोनेंट्स होते हैं। एक हमारे पास कंपोनेंट है कंट्रोल सिस्टम का, एक कंपोनेंट हमारे पास कंट्रोल सिस्टम का जो है वो क्या है, रिसेप्टर, जो कि क्या रिसेप्टर कह लो या सेंसर कह लो, जो कि रिसीव करेगा सिग्नल चेंज को। और दूसरा जो है हमारे पास कंपोनेंट होता है इटसेल्फ कंट्रोल सिस्टम, जो कि प्रोड्यूस करेगा उसके नतीजे में जो भी उसने तरीक़ाकार या हिकमत अमली इख्तियार करनी है। मसलन एनवायरनमेंट में टेम्परेचर ज़्यादा है तो कंट्रोल सिस्टम जो है वो आपकी बॉडी के कूलिंग सेंटर्स को एक्टिवेट कर देगा। और तीसरा कंपोनेंट जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, इफेक्टर होता है, जो कि इफ़ेक्टिवली उस चीज़ को इम्प्लिकेट कराता है जिसका मैसेज कंट्रोल सिस्टम ने दिया है। जैसे आपके पास एक फ़िज़िकल कंट्रोल सिस्टम है, उसमें भी आपके पास, आप जानते हो कि आपके पास जो है वो क्या मौजूद होता है, तीन कंपोनेंट्स हैं। एक आपके पास जो है वो क्या है, रिसेप्टर है। दूसरा कंपोनेंट आपके पास कंट्रोल सेंटर है। तीसरा कंपोनेंट आपके पास इफेक्टर है, ठीक है जी। तो हमारे पास वो कहता है कि एक फ़िज़िकल कंट्रोल सिस्टम की अगर हम बात करें, जैसे आप मिसाल ले लें किसी टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम की, तो उसके पास भी एक सेंसर होगा जो कि सेंस कर लेगा किसी भी किस्म के होने वाली चेंज को, तब्दीली को। और इसके अलावा जो है, जैसे आप अपनी इस्त्री इस्तेमाल करते हैं तो इस्त्री के अंदर सेंसर लगा होता है ना, जो कि ख़ास टेम्परेचर को सेंस कर लेता है, और जैसे ही वो टेम्परेचर उस पॉइंट तक पहुँचता है वो फ़ौरन से उसका जो कंट्रोल सिस्टम है वो जो हीटिंग पैड है उसको बंद कर देता है ताकि मज़ीद जो है वो हीट प्रोड्यूस ना करे, ठीक है। और ये इस तरीके से जो है कंट्रोल किया जाता है। बिल्कुल इसी पैटर्न पे जो आपके थर्मो रेगुलेशन करवाने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जिनको आप एंडोथर्मिक एनिमल्स बोलते हैं, वो क्या करते हैं, इसी तरीके से उनके पास रिसेप्टर्स होते हैं जिनकी पूरी बॉडी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, जो कि क्या करते हैं, उनके सिग्नल्स जो हैं उनको सेंस करते हैं। जैसे इन्वायरमेंट के अंदर गर्मी है तो मेरे रिसेप्टर्स उसको सेंस कर लेंगे, ब्रेन तक मैसेज जाएगा, ब्रेन उसके नतीजे में हो सकता है मुझे प्यास का एक सिग्नल दे, मैं पानी पी लूँ ताकि मेरी बॉडी के अंदर पानी की कमी ना हो। साथ ही साथ जो है वो मेरे स्किन एरिया में मैसेज भेजेगा ताकि मैं स्वेट करूं और जितनी भी मैंने एक्सेसिव हीट जो है वो गेन की हुई है वो हीट वहां से रिमूव हो सके। तो दिस इज़ हाउ योर बॉडी यूजली रिस्पॉन्ड। तो ये जो सेल्स ये काम कर रहे हैं, जैसे मेरे ग्लैंड्स हैं स्किन के अंदर मौजूद जो कि स्वेट ग्लैंड है, जो कि स्वेटिंग करा रहा है, ये इफेक्टर सेल है जिसको कंट्रोल सिस्टम ने क्या किया, सिग्नल किया, और उसने उसके नतीजे में रिस्पांस जो है वो जनरेट किया। अच्छा जी, हमने तीन तरह की होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म को डिस्कस किया था, ऑस्मो रेगुलेशन थी, एक्सक्रीशन थी और थर्मो रेगुलेशन थी। तो आज डिटेल में हम स्टार्ट करेंगे ऑस्मो रेगुलेशन को। तो ऑस्मो रेगुलेशन से बेसिकली मुराद क्या है कि आपके जिस्म के अंदर पानी और नमकियात का जो खास बैलेंस है जिसको कंट्रोल किया जा रहा है, जिसको मेंटेन किया जा रहा है, उसको आप ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। और होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म में यहाँ पर हम बात करेंगे कि पानी का बैलेंस और सॉल्ट कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर किस तरीके से वो क्रिएट होता है, वो बैलेंस कैसे क्रिएट होता है। तो यहाँ पर एक वर्ड, एक टर्म यूज़ की जाती है, टॉनिसिटी, जो आपकी किताब में नहीं लिखी हुई। तो टॉनिसिटी एक टर्म है जिसमें आप बता रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं सॉल्ट की कंसंट्रेशन या सोल्यूट की कंसंट्रेशन को, लेकिन किस हवाले से, विद रिस्पेक्ट टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। यानी अगर मैं लफ्ज़ हाइपो इस्तेमाल कर रही हूँ तो उसका मतलब है कि सॉल्ट की कंसंट्रेशन की बात हो रही है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के सॉल्ट की कंसंट्रेशन की बात हो रही है। तो हाइपो का मतलब कि बाहर जो आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वहाँ पर सॉल्ट की कमी है, और अगर मैं लफ्ज़ हाइपर इस्तेमाल करती हूँ तो इसका मतलब बाहर एनवायरनमेंट के अंदर या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर सॉल्ट ज़्यादा हैं या सोल्यूट ज़्यादा हैं, ठीक है। और अगर मैं वर्ड आइसोटोनिक इस्तेमाल करती हूँ तो आइसो का मतलब होता है सिमिलर, एक जैसा। तो इसका मतलब क्या है कि एक ये कंडीशन या ये टर्म उस वक्त इस्तेमाल की जाएगी जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंटरनल एनवायरनमेंट दोनों तरफ पानी और नमकियात का बैलेंस क्रिएट हो जाएगा, यानी कोई भी चीज़ जो है वो बैलेंस करने के लिए शिफ्ट नहीं करेगी, तो उस कंडीशन को आप कहते हैं आइसोटोनिक एनवायरनमेंट। हम बात करेंगे हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक की। तो हाइपोटोनिक मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि बैरूनी एनवायरनमेंट में, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर सॉल्ट की कमी को कहते हैं हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट। मतलब मिसाल के तौर पे हम बात करते हैं फ्रेश वाटर की, तो जो आपके मीठे पानी होते हैं वहाँ पे नमकियात कम होती हैं और उसके अंदर रहने वाले जो जानवर हैं उनकी बॉडी के अंदर नमकियात अच्छे खासे होते हैं, तो वहाँ पर इंटरनल बॉडी इज़ हैविंग हाई कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट, वाइल द
एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज़ हैविंग लो कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, समझ आ गई, तो वो एक हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट है। ऐसे ही आपका समंदर या जो आपके खारे पानी होते हैं वहाँ पर सोल्यूट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है तो वो एक हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट है, और वो इतनी ज़्यादा होती है कंसनट्रेशन कि वो वहाँ पर रहने वाली जो मछलियाँ या जो जानदार हैं उनकी बॉडी के अंदर जो मौजूद सोल्यूट्स या नमकियात हैं उससे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो नेचुरल एक आपको पता है एक चीज़ हम पढ़ते हैं डिफ्यूजन, पानी हमेशा उस डायरेक्शन में मूव करता है जिस डायरेक्शन में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो। ये डिफ्यूजन है ना, मॉलिक्यूल अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो की जानिब जाता है। वाटर ऑलवेज फॉलो द सॉल्यूट कंसंट्रेशन, जहाँ सॉल्यूट ज़्यादा होगा पानी उसी डायरेक्शन में रश करेगा। तो आपके सामने एक उसने एग्जांपल कोड की है और मैं इसको और सिंपलीफाई इस तरह से कर देती हूँ कि आप सोचिए कि आपने डिस्टिल वाटर लिया है। डिस्टिल वाटर के बारे में आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि उसमें नमकियात नहीं होते, और उसके अंदर आप अपना सेल डाल देंगे। जब सेल डाल देंगे तो पानी ने किस तरफ जाना है, जहाँ पर सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है। तो सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा कहाँ पर है, सॉल्ट की कंसनट्रेशन आपके सेल के अंदर है। तो अगर मैं अपना या आपका कोई एक सेल उठाऊं और उसको किसी वो जो आपने डिस्टिल किया हुआ वाटर है उसके अंदर रख दूंगी तो वो पहले तो उसका साइज़ बड़ा होगा, ठीक है, आपको नज़र भी आ रहा है। ये फर्स्ट कंडीशन इज़ अ हाइपोटोनिक कंडीशन, आपको नज़र आ रहा है सेल का साइज़ किस तरह से वो टर्जिड हुआ हुआ है। तो चूंकि मेरे और आपके सेल एनिमल सेल कैटेगरी में आता है तो हमारे सेल की मेम्ब्रेन के बाहर कोई वॉल मौजूद नहीं है, तो जब वॉल मौजूद नहीं है तो एक लेवल तक प्रेशर बढ़ेगा, बर्दाश्त भी करेगी मेम्ब्रेन और उसके बाद वो रप्चर हो जाएगी, ठीक है। तो अगर टर्जिडिटी आप, लेकिन अगर कोई प्लांट का सेल हुआ तो उसके पास सेल वॉल है, अगर आप उसको डालेंगे डिस्टिल वाटर के अंदर तो पानी गेन करेगा और वो टर्जिड हो जाएगा लेकिन फटेगा नहीं। फटेगा क्यों नहीं, क्योंकि उसके पास सेल वॉल है, ठीक है। दूसरी कंडीशन में क्या करूं कि पानी का एक बर्तन लूं और उसके अंदर चीनी घोल दूं, अब वो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट बन गया, और अपना सेल उसके अंदर डाल दूंगी तो क्या होगा कि मैंने अभी आपसे कहा है कि पानी ने उस डायरेक्शन में जाना है जहाँ पे सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो अब सॉल्ट की कंसंट्रेशन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में ज़्यादा है, यानी हम बात कर रहे हैं हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट की, ठीक है। तो सेल श्रिंक कर जाएगा, क्यों श्रिंक कर जाएगा, क्योंकि पानी सेल के अंदर से बाहर की जानिब जहाँ पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ आ जाएगा, ठीक है। जबकि आपके हाइपोटोनिक में क्या हो रहा था कि बॉडी के अंदर सॉल्यूट ज़्यादा था तो बाहर से पानी सेल के अंदर आ रहा था तो सेल फूल गया था, स्वेल कर गया था, लेकिन हाइपरटोनिक में क्या हो रहा है, सेल के अंदर से पानी बाहर जा रहा है तो सेल का साइज श्रिंक कर रहा है, तो ठीक है। और दूसरी तरफ अगर आप किसी आइसोटोनिक इन्वायरमेंट में रखते हैं जहाँ पे बाहर भी पानी के अंदर कंसंट्रेशन सॉल्यूट की और वाटर की वही हो जो कि सेल के अंदर है, तो उसकी शेप पे कोई तब्दीली नहीं आएगी, वो नॉर्मल का नॉर्मल ही रहेगा। तो दीज आर द थ्री डिफरेंट कंडीशंस जो कि आप एक्सपीरियंस भी करते हैं, क्योंकि हम हाइपोटोनिक एक्सपीरियंस करती हैं वो फिशेज जो फ्रेश वाटर में रहती हैं, हाइपरटोनिक एक्सपीरियंस करती हैं वो फिशेज जो मैरीन इकोसिस्टम में रहती हैं, और आइसोटोनिक में भी वो फिशेज हैं, कुछ फिशेज ऐसी हैं जो कि मैरीन इकोसिस्टम में रहती हैं और वो अपना जो है वो रेगुलेट नहीं करा सकती, तो वो उन्होंने मसले का हल ये निकाला है कि हम बार बार रेगुलेट नहीं करा सकते, लिहाजा हम आइसोटोनिक अपने बॉडी को ही समंदर के पानी जैसा बना लेते हैं ताकि हमें बैलेंस ना करना पड़े। तो दीज आर द फ्यू टर्म्स दैट वी यूज टू डिस्कस व्हेन वी टॉक अबाउट द बैलेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट्स इन द बॉडी। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स। तो जाहिर है पौधे भी जानदार हैं तो उनके केस में भी जो है वो ऑस्मोरेगुलेशन जो है वो इंपॉर्टेंट होती है। तो हमारे पास जो है वो हैबिटेट के अतबार से जिस जगह पे इन्वायरमेंट के अंदर पौधे ग्रो कर रहे हैं उसके अतबार से आप जो है वो हमारे पास, जैसे वो पानी के अंदर ग्रो कर रहे हैं तो वो एक्वेटिक प्लांट्स हो जाएंगे, मुनासिब से टेम्परेचर में ग्रो कर रहे हैं तो मॉडरेटली ग्रोइंग प्लांट्स हो जाएंगे, और अगर किसी डेजर्ट या सहरा में ग्रो कर रहे हैं तो ड्राई इकोसिस्टम की बात हो रही होगी, तो उनके हैबिटेट के मुताबिक जहाँ वो ग्रो कर रहे हैं उसके इन्वायरमेंट के मुताबिक आप उनकी जो है उनको टर्म करते हैं तीन डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर। सबसे पहले आते हैं हाइड्रोफाइटा, का मतलब होता है प्लांट, तो हाइड्रोफाइट्स आर दोज प्लांट्स जो कि वाटर के अंदर जो है वो ग्रो कर रहे होते हैं। जाहिर है बच्चों जब पानी के अंदर कोई चीज़ ग्रो कर रही है तो उसका सबसे पहला मसला तो एक्स्ट्रा वाटर है कि उसके पास इतना पानी है कि इतना नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसका हल इन पौधों ने, पहले तो आप इनका ना प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है आपने कि इनका मसला क्या है। मसला इनका ये है कि इनके पास ज़्यादा मिकदार में पानी है तो ये एक्सेसिव वाटर को रिमूव करते हैं किस तरह से करेंगे, ट्रांसपायरेशन करेंगे। आपको अच्छे से पता है पौधे के पास यही एबिलिटी है कि वो ट्रांसपायर कर देता है, वो अपने स्टोमेटा को खोल लेगा और जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो इस तरीके से ट्रांसपायर कर जाएगा, ठीक हो गया जी।
इसके ये तरीका कार है कि ऊपर वाले स्टोमेटा को भी खोल लिया जाता है, नीचे वाले स्टोमेटा को भी खोल लिया जाता है। तो मसला उनका क्या था कि उनके सेल्स फ्लड हुए हुए थे फ्रेश वाटर के साथ, लिहाजा उस पानी से छुटकारा हासिल करने का एक ही तरीका कार था कि आप क्या कर लेते, अपने स्टोमेटा को खोल देते, नेचुरल प्रोसेस के तहत जो है वो ट्रांसपरेशन हो जानी थी और सारे के सारे जो है वो वाटर ने रिमूव हो जाना था। दूसरा कंडीशन हमारे पास आ जाती है मीज़ोफाइट, ये वो प्लांट्स हैं जो मॉडरेट इन्वायरमेंट में रहते हैं, यानी उनके पास पानी की एक मॉडरेट क्वांटिटी मौजूद है, यानी उस जिसको आप आइसोटोनिक भी कह सकते हैं, यानी उनको बहुत ज़्यादा मसला नहीं है, कोई ख़तरा नहीं है कि अगर पानी किसी वक्त ज़्यादा अवेलेबल है तो वो ट्रांसपरेशन करा के उससे छुटकारा हासिल कर लेते हैं, किसी वक्त कम अवेलेबल है तो वो अपने स्टोमेटा को बंद कर लेते हैं और ट्रांसपरेशन कम करा लेते हैं, जिससे उनकी पानी की कमी जो है उनकी बॉडी के अंदर जो है वो नहीं होती। अगर सफिशेंट सप्लाई होगी पानी की तो स्टोमेटा को खोल दिया जाएगा, और अगर कम सप्लाई होगी पानी की तो स्टोमेटा को बंद कर लिया जाएगा। तो दिस इज़ हाउ दे यूज़ टू डू दिस। और इसकी एग्जांपल में आपके पास आम जितने भी आपके इन्वायरमेंट के अंदर इर्द गिर्द आपको आप मॉडरेट इन्वायरमेंट में रहती हैं तो इर्द गिर्द जितने भी आपके पौधे ग्रो कर रहे हैं वो सारे इसमें आ जाते हैं। फिर ज़ीरोफिटिक प्लांट, ज़ीरोफाइट्स उन प्लांट्स को कहते हैं जो कि ड्राई इन्वायरमेंट में रहते हैं, सहरा में रह रहे होते हैं, उन प्लांट्स को आप क्या कहते हैं, ज़ीरोफाइट्स बोलते हैं। तो ज़ीरोफाइट्स ने अब क्या करना है, इनका मसला क्या है, इनको तो पानी की कमी है, ठीक है, तो ये हर तरीका कार इख्तियार करेंगे बच्चों जिससे इनकी बॉडी का पानी ज़ाया ना हो। मसलन इन्होंने क्या क्या अडेप्टेशन इख्तियार की हुई है कि इनके पास छोटे और थिक लीव्स होते हैं ताकि पानी जो है, थिक लीव्स होने का मतलब छोटे पत्ते और मोटे पत्ते का फ़ायदा क्या है इनको कि स्टोमेटा कम से कम होंगे, जब स्टोमेटा कम से कम होंगे तो स्टोमेटा क्या है, वो ओपनिंग है, वो सुराख जहाँ से पानी ने निकलना है, लिहाजा जब स्टोमेटा कम होंगे तो वाटर लॉस भी रिड्यूस हो जाएगा, सरफेस एरिया कम कर देते हैं, स्टोमेटा अवेलेबिलिटी कम हो जाती है तो वो जो ट्रांसपरेशनल लॉस है वो भी कम हो जाता है। फिर इसके अलावा उनकी बॉडी के ऊपर, उनके लीव्स के ऊपर अल्लाह ताला ने क्यूटिकल रखी हुई, क्यूटिकल जो है वो हाइड्रोफोबिक होती है, यानी पानी को लॉस नहीं होने देती, तो थिक होती है, वैक्सी होती है, लेदरी होती है, और उससे भी क्या होता है कि पानी जो है वो लॉस नहीं होता। अगर स्टोमेटा होते हैं तो अव्वल तो होते ही नहीं है, ठीक है, और अगर होंगे तो वो नीचे वाली सरफेस पे ज़्यादा होते हैं क्योंकि आपको पता है ऊपर वाली सरफेस के ऊपर डायरेक्ट जो है वो रेडिएशंस फॉल कर रही होती हैं, तो क्विकली ट्रांसपरेशन जो है वो अपर सरफेस से होती है। तो स्टोमेटा अगर होंगे तो फिर वो क्या करते हैं कि वो पत्तों के नीचे की जानब होते हैं और वो सीधे सीधे भी नहीं होते, वो बिल्कुल डिप्रेशन गड़ा सा बना होता है, उसके अंदर कहीं जा कर स्टोमेटा मौजूद होता है, और मकसद क्या है कि पानी लॉस ना हो, ठीक है जी। और उसमें एग्जांपल्स में आपके पास कैक्टस वगैरह आ जाते हैं जो कि ड्राई कंडीशन के अंदर, ड्राइएस्ट सीजन के अंदर जो है उनका एक और तरीकाकार वो इख्तियार करते हैं इस मसले का हल निकालने के लिए कि वो अपने पत्ते ही शेड करा देते हैं, जब पत्ते ही नहीं रहेंगे तो ट्रांसपरेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अब पत्ते जब चले जाते हैं तो आपके जहन में आता है कि फिर फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं, खुराक कैसे तैयार करते हैं, तो उनके अगर आपने गौर से देखा तो कैक्टस की स्टेम जो होती है वो जो आप देखते हैं, ये देखें नीचे आपके सामने एक ज़ीरोफिटिक प्लांट है, तो आप देख सकते हैं जो इसके ऊपर कांटे से निकले ना इसके पत्ते हैं, ठीक है, तो आप देखें इन पत्तों में से भला ट्रांसपरेशन हो सकती है, नहीं हो सकती, और जो नीचे बेस है ये इसकी स्टेम है, ठीक है, तो जो फोटोसिंथेसिस करानी है, जो टास्क पत्तों ने परफॉर्म करना था वो स्टेम खुद भी परफॉर्म कर रही है, लिहाजा वो खुराक तैयार करा के सारी की सारी बॉडी को सप्लाई कर देते हैं। जब रेनी सीज़न आता है तो उस वक्त वो जो है, अच्छा एक चीज़ और है कि अगर आप इनको चेक करें ना, पकड़ें, तो इनके पत्ते अच्छे मोटे थिक होते हैं, ठीक है, जैसे आपने एलोवेरा का पौधा देखा हुआ है कैसे फ्लैशी से होते हैं, उसका मकसद क्या होता है कि ये क्या करते हैं कि जब इनके पास पानी कंडीशन अवेलेबल अच्छी होती है तो ये उस पानी को अपने स्टेम के अंदर, अपने पत्तों के अंदर क्या करते हैं, रिटेन कर लेते हैं, ठीक है, तो लिखा हुआ है कि रेनी सीजन के अंदर ये स्टोर कर लेते हैं पानी को अपने अंदर और फिर बाद में ड्राई कंडीशन में उस पानी का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपके पास एक फिगर है हाइड्रोफिटिक प्लांट की, दूसरी फिगर जो है वो आपके पास एक ज़ीरोफिटिक प्लांट की, और मीज़ोफिटिक प्लांट आप रोज़ ही देखते हैं, ठीक है जी। फिर आपके पास आ जाती है ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स, जब इनको डिस्कस करना है तो इसके जब बात करते हैं तो हमारे पास दो ही मेजर ग्रुप्स आ जाते हैं एनिमल्स के, एक ऑस्मो, और ये डिफरेंस भी पूछते हैं बोर्ड में, आपने याद रखना है। ऑस्मो कन्फर्मर्स नाम ही बता रहा है कि ये आइसोटोनिक एनिमल्स होते हैं, यानी ये रहते ही ऐसे इन्वायरमेंट में हैं जहाँ पर इनको किसी किस्म का रेगुलेशन करवाने की ज़रूरत पेश नहीं आती, दे डोंट नीड टू रेगुलेट देयर वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस इन देयर बॉडीज, दैट्स वाई दे आर हैविंग अ कन्फर्म सॉर्ट ऑफ एनवायरनमेंट, सो दैट्स वाई दे हैव गॉट देयर नेम ऑस्मो कन्फर्मर्स। दूसरी कैटेगरी आ जाती है ऑस्मो रेगुलेटर्स की, यानी ये किसी हाइपर या हाइपो टाइप के इन्वायरमेंट में रह रहे हैं लिहाजा इनको रेगुलेट कराना पड़ेगा, वो जिस भी तरह के, जैसे अगर वो मरीन में रह रहे हैं तो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट हो गया, अगर वो
फ्रेश में रह रहे हैं, फ्रेश वाटर में रह रहे हैं, तो वो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट हो गया। दोनों कंडीशन में दे हैव टू रेगुलेट, दे हैव टू मेंटेन देयर वाटर एंड सोल्यूट कंसनट्रेशन, एंड दैट्स वाई दे हैव गॉट देयर नेम एज ऑस्मो रेगुलेटर्स। और इसमें आपके पास मिसालों में आ जाते हैं फ्रेश वाटर और टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में रहने वाले तमाम एनिमल्स। अगली क्लास में फिर हम जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन इन्वायरमेंट बेसिस पे देखेंगे कि अगर पानी के अंदर कोई रह रहा है तो उसकी ऑस्मो रेगुलेशन कैसे हो रही है, खुश्की पर रहने वाले की कैसे हो रही है। और खुश्की में भी आपको पता है कि एक मॉडरेट कंडीशन होती है और एक आपके पास ड्राई कंडीशन होती है, तो दोनों कंडीशन में किस तरह से ये मामलात हो रहे हैं तो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम देखेंगे।